मनचलों से परेशान होकर लड़की ने सीएम से लगाई गुहार। क्या यूपी में सरकार की एंटी रोमियो नहीं आई काम? क्या यूपी में लड़कियां नहीं है सुरक्षित? यूपी में महिलाओं के साथ हो रही छेड़छाड़ को रोकने के लिए सरकार ने सभी स्कूल और कॉलेजों के बाहर एंटी रोमियो दस्ता तैनात किए थे, मगर उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में ऐसी खबरें बंद होने का नाम नहीं ले रही हैं, जब मनचलों द्वारा लड़कियों को छेड़ा जाता है और उन्हें परेशान किया जाता है। अब उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक लड़की ने दबंगों की ऐसी हरकतों से परेशान होकर अपने घर से निकलना तक बंद कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला कौशाम्बी जिले के महेवा घाट थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली दलित छात्रा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को ट्वीट करके जान बचाने की गुहार तक लगा दी है। आरोप है कि एक मनचला कई दिनों से लड़की को काफी परेशान कर रहा था। मनचला युवक उस पर भद्दे कमेंट तक करता था, घर में घुसकर हाथ पकड़ता था। मिली जानकारी के मुताबिक थाने में तहरीर देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़िता ने एसपी से मिलकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, मगर आरोपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद पीड़िता ने खुद ही अपना बयान वायरल कर दिया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर दी है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी युवक उसे केस वापस लेने की धमकी देता है, उस पर तेजाब डालने तक की धमकी देता है। पीड़िता का आरोप है कि 11 दिसंबर को वो अपनी बुआ के साथ बाजार जा रही थी, तभी गांव का कल्लू उर्फ महेंद्र कुमार ने उसके ऊपर बाइक चढ़ाने तक की कोशिश कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने उसे धमकी दी और दूसरे दिन घर में घुसकर उसके परिवार के सामने उसका हाथ पकड़ लिया। घर वालों ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी देकर वो फरार हो गया। पुलिस से शिकायत की गई। आरोप है कि पुलिस ने घर आकर उल्टे पीड़िता और उसके घर को धमका दिया। जब उसने शिकायत लिखकर दी तो दरोगा ने उसे फाड़ कर फेंक दिया। अपने मन मुताबिक उसने उसकी शिकायत लिखवा कर कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और फिर उसी दिन उसे दिन भर में छोड़ भी दिया। आरोप है कि पुलिस से छूट कर आरोपी सीधा उसके घर पहुंचा और उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी इज्जत उछालने की कोशिश की। वहीं आपको बता दें कि पीड़िता ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है और अपने बयानों में उन्होंने कहा है कि अगर आरोपी उसके साथ किसी भी तरह की घटना को अंजाम देता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों की होगी। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने आरोपी युवक से परेशान होकर अपने घर तक से निकलना बंद कर दिया है। इस पूरे मामले पर एसपी समर बहादुर ने बताया है कि महेवा घाट थाना क्षेत्र की एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कई आरोप लगाए गए हैं। दी गई शिकायत में मारपीट का आरोप था, फौरन मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आज जो वीडियो वायरल हो रहा है इसके संदर्भ में लड़की का बयान लेने के लिए तत्काल थाना प्रभारी को भेजा भी गया है। बयान के आधार पर जो धाराएं बनेंगी उसके आधार पर मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। मामले में फौरन आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन सवाल यहां पर अभी भी यही उठता है कि इस तरीके की जो खबरें लगातार यूपी में सामने आती हैं, कब महिलाओं को यूपी में पूरी तरह से सुरक्षा मिलेगी और कब ऐसे मनचलों को सजा मिलेगी, क्योंकि आए दिन यूपी में इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।